बड़ी खबर आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के रेलवे स्टेशन पर खड़ी है वंदे ट्रेन। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन भी जिसे कहा जाता है, पिछले 2 घंटे से करनाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों यात्री जो हैं परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज किसानों का भारत बंद है। और भारत बंद की अगर बात की जाए, शाहबाद और अंबाला रेलवे ट्रैक पर जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं, और जिसके कारण जो है जितनी भी जो ट्रेन थी उनको रास्ते में रोक दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं करनाल में पिछले दो घंटे से जो भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, जो दिल्ली से कटरा की तरफ जाती है, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, वो करनाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। काफ़ी ऐसे परिवार हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली से कटरा के लिए आप चले थे, कब से यहाँ पर खड़े हैं और क्या कहेंगे? हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए, और हम सुबह के बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा हमें आगे क्लियर होने में। कहाँ से आए हैं? कटरा। और कौन सी ट्रेन है जी? वंदे भारत। और क्या पता चला क्यों यहाँ रुकी है गाड़ी? आगे चक्का जाम कुछ कह रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ खड़े हैं और कितनी परेशानी आ रही है और किस ट्रेन से आप जा रहे हैं? नहीं, काफी परेशानी आ रही है, बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। हमें अगर ये नहीं थे तो हमारे को ट्रेन कैंसिल कर देनी चाहिए थी, इनको ट्रेन भी कैंसिल नहीं करी इन्होंने, कोई अपडेट नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल पहले पता था, जब किसानों ने पहले ही आह्वान किया हुआ है भारत बंद है तो ट्रेन को कैंसिल करना चाहिए था, सैकड़ों लोग फंसे हुए बीच में। हाँ, ट्रेन को कैंसिल करना चाहिए था, कोई अपडेट नहीं है उसका, हमें बिना अपडेट के ट्रेन चला। हाँ, तो बिल्कुल हमारी करनाल की तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी हाथ जोड़कर अपील रहेगी, गुरुद्वारा डेरा कार सेवा से, निर्मल कुटिया गुरुद्वारा से, कि सैकड़ों यात्री जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं करनाल रेलवे स्टेशन पर, सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं, और जो बुलेट ट्रेन है जिसे वंदे भारत ट्रेन कहा जाता है, जो दिल्ली से कटरा की तरफ जाती है, वो भी पिछले 2 घंटे से यहाँ पर खड़ी है। बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग पिछले 2 घंटे से करनाल रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर खड़े परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं किसानों तक भी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि किसानों का आज भारत बंद जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस भारत बंद के कारण काफ़ी परेशान देखे जा रहे हैं। और दूसरा, लोग ये भी जरूर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, रेलवे विभाग से, जब पहले ही पता था कि किसानों ने आह्वान किया हुआ है कि आज भारत बंद है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार क्यों जो है ट्रेन्स को रद्द नहीं किया गया? अगर आज ट्रेन्स को रद्द कर दिया जाता तो शायद जो लोगों की जो बुकिंग्स हुई हुई थी वो आगे पोस्टपोन करा लेते, लेकिन आप देख सकते हैं कि सैकड़ों यात्री अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, तमाम महिलाएं, इस बुलेट ट्रेन के माध्यम से, जिसे वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू किया गया था, जो कटरा, दिल्ली से कटरा जाती है, और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों मुसाफिर जो है, रेल यात्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं ये बोल के कि वही भारत बंद ही है वो, बट अब हम लोगों को प्रॉब्लम तो होती है, अब हम लोग इसमें क्या किए हैं, छोटा बच्चा है और कुछ कर भी नहीं सकते, अब कब खुलेगी नहीं खुलेगी कोई आइडिया भी नहीं है। अभी कितने घंटे के कितने घंटे हो गए हैं यहाँ पर? 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे होने वाले हैं पूरे। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि कब तक ये ट्रेन रवाना हो। इवन गेट भी नहीं खोल रहे थे, गेट भी यात्रियों ने कह के खुलवाया है गेट। सर आपको नहीं पता था कि भारत बंद है, लेकिन रेलवे विभाग की तरफ से ट्रेन को जो है रद्द किया जा सकता था, पता था किसानों ने आज रेलवे ट्रैक जाम करना है? नहीं सर, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ना ही इन्होंने रेलवे ने कोई मैसेज प्रोवाइड किया किसी तरीके का। न्यूज चैनल्स पे तो चल ही रहा था। हाँ, न्यूज चैनल्स पे चल रहा था, बट रेलवे की तरह से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज ट्रेन आपकी रद्द हो सकती है या लेट होगी या आदमी अपनी टिकट कैंसिल करा ले या। बिल्कुल, अगर रेलवे विभाग से पहले पता होता तो ये तमाम बच्चे, ये तमाम महिलाएं परेशान ना होती। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं जो किस तरह से दिल्ली से कटरा जा रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे जो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, और जो ये वंदे भारत बुलेट ट्रेन है वो किस तरह से करनाल रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 घंटे से खड़ी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को, इन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है, तो इसके ध्यान में रखते हुए एक बार हम भी जो है, जो तमाम गुरुद्वारा है उनको, उनके प्रधान को जानकारी दे दें, ताकि उनके पास जानकारी नहीं है, ताकि सेवा यहाँ पर बच्चों के लिए दूध, इनके लिए खाना, लंगर यहां पर पहुंचाया जा सके, ताकि एक ना एक सहायता इनकी हो सकती है। इसलिए जो गुरुद्वारे के सेवादार हैं, हम भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पहले एक बार उनको फोन कर लें, ताकि इन तक ये सहायता पहुंचाई जा सके। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि काफी परेशानी जो है इन तमाम लोगों को उठानी पड़ रही है, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग पिछले काफी देर से यहां पर फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं और अभी ये साफ नहीं है कि आखिरकार कितने घंटे
जो है ये जो ट्रैक है वो बंद रहेगा। और आप देख सकते हैं कि काफी परेशानी में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग काफी परेशान हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि इनकी परेशानी के लिए इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि रेलवे प्रशासन तक, विभाग तक और रेलवे मंत्रालय तक ये जानकारी जरूर पहुंचे। और इस समय आप देख सकते हैं कि काफी महिलाएं परेशान हैं, काफी लोग परेशान हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, काफी दो घंटे से यहाँ पर खड़े हैं लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया कि कितने घंटे और लगेंगे। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे 3-4 घंटे में बताएंगे क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम उनके लिए ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कितने बजे चले थे, कहाँ जाना था? मैम दिल्ली से कटरा जाना था हमें 6:30 बजे, तो अभी तो हम 7:30 से यहीं अटके हुए हैं करनाल में। वहाँ पर होटल वगैरह भी बुक हो? हाँ जी, सब कुछ बुक्ड है, सारे एक्सपेंस है। तो पहले नहीं पता था कि किसानों का जाम है आज? किसानों का जाम पता था लेकिन बुकिंग से पहले हमने पहले ही करा रखी थी, तो हमें ये था कि अगर ट्रेन कैंसिल होगी तो बाकी चीज़ें भी कैंसिल करा देंगे, लेकिन ट्रेन कैंसिल नहीं हुई तो हमें लगा सब ठीक ही होगा। आपका नाम? लिशा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 घंटे से जो ये ट्रेन है वो करनाल के रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, जिसे वंदे भारत ट्रेन कहा जाता है, जो बुलेट ट्रेन की तरह है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से काफी बड़ी परेशानी में है। हम इस समय कुटिया के सेवादारों को फोन कर रहे हैं। हाँ जी ग्रोवर साहब, एक ना भारत बंद है जिसके चलते अपना शाहबाद ट्रैक जो है जाम कर दिया है, और पिछले 2 घंटे से जो वंदे भारत बुलेट ट्रेन है कटरा जाती है वैष्णो देवी, तो दिल्ली से कटरा जाने वाले सैकड़ों लोग जो हैं करनाल रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, बच्चे और परेशान। अब पता नहीं है कि रेलवे ट्रैक कब खुलेगा, तो एक बार कुटिया में कहकर लंगर सेवा और दूध वगैरह जो भी है जल्द से जल्द यहाँ एक बार उपलब्ध करा दें। हाँ हाँ, जल्दी से तमाम सेवादारों को कह दें कि पानी जो भी है जो यहाँ सुविधाएँ पहुँचाई जा सके। तो बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौरान जो है जितनी भी यहाँ पर कंटीन्स हुआ करती थी, यहाँ पर नाश्ते के लिए यहाँ पर इंतजाम हुआ करता था, वो सब कुछ बंद है, जिस कारण भी जो लोगों को है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं जो पुलिस अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, और काफी लोग हैं, काफी महिलाएं हैं, बच्चे परेशान हैं। मैम कितने घंटे से आप यहाँ पर खड़े हैं, किसी तरह की कोई हेल्प पहुँच पाई? नहीं, अभी तक कोई हेल्प नहीं है। हम 2.5 घंटे हो गए हमें यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं, एक बॉटल थी दूध की वो पी चुके हैं। अब पता नहीं अगली बारी अब जब मांगेंगे तो हम क्या करेंगे। ट्रेन में भी मेरे ख्याल से जितनी खाने की फैसिलिटी होगी वो भी थोड़ी देर में ख़त्म ही होने वाली होगी, तो आई होप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, जल्दी से ट्रेन चला दो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जल्दी से ट्रेन चले, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन है, पिछले 2 घंटे से यहाँ पर जो तमाम मुसाफिर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, जो दिल्ली से जो है कटरा जाना चाहते थे, वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे, लेकिन तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों का आंदोलन था, जिसके चलते रेलवे विभाग को पहले ही चाहिए था कि इन ट्रेन्स को जो है एक दिन के लिए रद्द कर दिया जाता, ताकि यात्रियों को जो है इसकी जानकारी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि नवविवाहित जोड़ा भी है जो लगातार इस पर वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, और ऐसे काफ़ी परिवार हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो किस तरह से जो है वैष्णो देवी माता के जो है दर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली जो है इन्होंने जाना है, तो इनसे जानना चाहेंगे सर कितने घंटे से आप यहाँ पर खड़े हैं और कितनी परेशानी हो रही है? 2 घंटे से खड़े हैं जी, परेशानी तो बहुत हो रही है, क्या करें, किसानों ने रोक रखा है। तो पता नहीं था कि पहले यहाँ किसानों का जाम है, ताकि आप बुकिंग कैंसिल करा देते? नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, ये गवर्नमेंट को पहले से बताना चाहिए, पर नहीं पता था, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो बिल्कुल पता नहीं था, जिस कारण आप देख सकते हैं कि जो तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस क्रम में करनाल रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 घंटे से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के जो निर्मल कुटिया के जो सेवादार हैं उनको हालांकि हमने जानकारी दे दी है, ताकि जल्द से जल्द जो है इन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि सुबह का समय है, नाश्ता पानी चाय जो है इनको चाहिए, बच्चों के लिए दूध चाहिए, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जितने भी रेलवे स्टेशन पर जो यहाँ पर रेड़िया खड़ी हुआ करती थी, कंटीन चला करती थी, वो सब कुछ जो है बंद हुआ हुआ है, जिस कारण काफी परेशानी आ रही है। इस समय आप देख सकते हैं रेलवे पुलिस से हमारे साथ जो है इस समय दरिया सिंह जी हैं। दरिया सिंह जी, कितने बजे से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं? करीब 7:30 बजे से खड़ी है ट्रेन, सुबह 7:30 बजे से। तो कौन सी गाड़ी है सर ये? वंदे भारत ट्रेन है। कहाँ से कहाँ जा रही है? दिल्ली से कटरा जा रही है। तो क्यों खड़ी है यहाँ पर, कुछ पता चला? किसान आंदोलन के कारण रेल कहीं से रेलवे यातायात में बाधा पहुंच रही है। तो शाहबाद जाम लगा हुआ है, शाहबाद सुनी है, इसलिए नहीं चल रही। तो शाहबाद में जो है रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम कर दिया है किसानों ने, जिस कारण जो है आप देख सकते हैं कि काफी परेशानी का सामना इन तमाम परिवारों को करना पड़ रहा है। और हरियाणा की सीएम सिटी है करनाल, जहां पर करनाल से ही विधायक हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों तक जो है सहायता जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम परिवार आप देख सकते हैं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं,
और जो गुरुद्वारे के सेवादार हैं, हालांकि उन तक हमने जानकारी पहुंचा दी है ताकि लंगर व्यवस्था हो, चाय हो, तमाम इन परिवारों के लिए जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से ये तमाम परिवार यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर कोरोना के दौरान जो है यहाँ पर जो कैंटीन्स थी वो सब बंद हो चुकी है। तो कुछ बेटियाँ हैं, उनसे जाना चाहेंगे, कितने समय से आप यहाँ पर बैठे हैं और कहाँ आपने जाना था? 2 घंटे से बैठे हुए हैं, हमें वैष्णो देवी जा रहे थे सब लोग, अब यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो आप परिवार के साथ जा रहे थे? हाँ जी। तो पता चला क्यों रुकी हुई है ट्रेन यहाँ? हाँ, वहाँ पे किसान बैठे हुए हैं वो लोग। आप बताएं। हाँ जी, सेम वो भारत बंद है, इस वजह से ही है जो ट्रेन को यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। तो कौन सी ट्रेन है ये? वंदे भारत। तो कहाँ जाना था आपने? वैष्णो देवी कटरा। तो पहले पता नहीं था कि किसानों का भारत बंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ आइडिया होता तो हम पहले से कुछ अल्टरनेटिव सोच के रखते। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इन तमाम परिवारों को पता नहीं था कि किस तरह से ये यहाँ पर फंसे हुए हैं। और 2 घंटे से आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार हैं जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर जितनी भी जो सुविधाएं थी, खाने पीने की सुविधाएं थी, वो कोरोना लॉकडाउन के चलते जो है यहाँ पर बंद पड़ी है, जिस कारण भी इन तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जैसे ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम को जब जानकारी पहुंची तो तुरंत हम यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले हमने आकर गुरुद्वारे के सेवादारों से अपील की, उनको फ़ोन कर जानकारी दी है कि जो बुलेट ट्रेन है, जिसे वंदे भारत ट्रेन भी कहा जाता है, जो दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है, वो पिछले 2 घंटे से यहाँ पर खड़ी है और लोग काफ़ी परेशान हैं, ताकि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों के लिए चाय की व्यवस्था की जा सके, बिस्कुट की व्यवस्था की जा सके और लंगर की व्यवस्था की जा सके। तो तमाम गुरुद्वारों से हमने अपील की कि जल्द से जल्द अपने सेवादारों को यहां पर भेजा जाए। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ना ही यहाँ पर कोई कैंटीन खुली है, ना ही यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध है, ना ही यहाँ पर चाय की व्यवस्था है। तो क्या पता कितने घंटे लगे, क्योंकि अभी कोई अंदाजा नहीं है। जो किसान है वो शाहबाद और अंबाला में, उन्होंने भारत बंद के चलते जाम लगाया हुआ है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि कब वे उठेंगे। लेकिन उनसे भी हमारी अपील है कि आप भारत बंद के दौरान अपना प्रोटेस्ट जरूर आपने किया हुआ था, लेकिन इसका समय कुछ जरूर जो है निर्धारित करें कि ये 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हों, महिलाएँ हों, काफ़ी दुखी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं और कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी, हम दिल्ली से जम्मू जा रहे हैं और हमारे साथ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको बोलो कि जल्दी हटे यहाँ से, आगे से, और हमारी ट्रेन को जाने दें। इन किसानों की भी अपनी मांग है, लेकिन होना चाहिए कि 1 घंटा प्रोटेस्ट है, 2 घंटा प्रोटेस्ट, अगर दिन भर बैठे रहे तो हजारों लाखों लोग जो है बीच रास्ते पर फंसे रहेंगे भूखे प्यासे। हाँ जी, वो बाय रोड भी अगर कोई बंदा जा रहा है तो इतना ट्रैफिक जाम मिल रहा है, ट्रेन पे भी जा रहे हैं तब भी परेशान है। तो ये तो होना चाहिए कि उनको कुछ लिमिट रखनी चाहिए कि हाँ भाई, और आम जनता को तो जाने दो एटलीस्ट, बाकी मिनिस्टर्स को वो करना चाहिए, उनके सामने डिमांड रखो। पब्लिक को क्यों परेशान कर रही हैं? जी सर, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? उनका घेराव करें, जो उनसे नेताओं को, पब्लिक ऐसे इनके साथ थोड़ी ना रहेगी जिस तरीके से ये कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे परेशान, जब पब्लिक को ही परेशान करेंगे तो पब्लिक इनके साथ कहाँ से रहेगी? तुमने परेशान करना जाके नेताओं को करो, जिन्होंने जिनके साथ तुम्हारा पंगा, आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? कब से बैठे हैं आप सर यहाँ? अब यहाँ 1.5 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटे हो गए, अब दो कोई आइडिया नहीं है कब तक जो सर यहाँ पे। कोरोना के दौरान सभी कैंटीन्स बंद है, बच्चों के लिए दूध चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, पूरे प्लेटफार्म पे कुछ भी नहीं है, अब कब तक बैठे रहेंगे? आप खुद ही देख रहे हो यहाँ कितना खाने को मिल रहा है, एक भी कहीं कुछ ठेला नहीं, कहीं कुछ नहीं खाने को। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से गर्मी में परेशान हो रहे हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, दूध की व्यवस्था बच्चों के लिए, पानी की व्यवस्था? एक्चुअली जो खाना मिलता है ट्रेन के अंदर कोरोना की वजह से वो भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत सफर हो रहा है। और अभी कह रहे हैं कि 2 बजे चलेगी, कुछ मतलब मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कितने बजे ट्रेन चलेगी। तो ऑब्वियसली सब सुबह 6 बजे की ट्रेन थी तो 4 बजे घर से निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कटरा। तो कटरा वैष्णो देवी जा रहे हैं, वंदे भारत ये ट्रेन है जो दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के लिए जाती है। और कोरोना लॉकडाउन के दौरान ट्रेन में भी खाने पीने की व्यवस्था बंद है, तमाम स्टेशन पर भी जो है खाने पीने की व्यवस्था बंद है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने करनाल के गुरुद्वारों से अपील की है, फोन पर जानकारी दे दिया ताकि जल्द से जल्द बच्चों के लिए दूध हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, आसपास जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जल्द से जल्द करनाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि बुलेट ट्रेन वंदे भारत ट्रेन पिछले 2 घंटे से यहां पर खड़ी है और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भूखी प्यासे जो है, सुबह का नाश्ते का समय है यहाँ पर, किस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि गर्मी में तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं सर, क्या कुछ अपील करेंगे प्रशासन से, सरकार से, रेलवे विभाग को? पहले नहीं पता था कि जो है भारत बंद है, आखिरकार ट्रेन को रद्द कर देना चाहिए था। ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर प्रशासन को पता था
भाई ये कल ये मसला होना है तो ये पहले वहाँ दिल्ली में रोक देते, नहीं चलाते ये। देखो हम इतने परेशान हो गए हैं, एक इधर खड़ा होना देखो ना, लोग भी मजबूर, लोग भी क्या करें, बाथरूम तो जाएंगे, अभी आप खुद देखिए कितनी स्मेल है और बीमार हो जाएंगे हम। तो सैकड़ों यात्री ऐसे फंसे हुए, एक बेटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वैष्णो देवी जा रहे हैं परिवार के साथ, आपको पता था पहले इस तरह से यहाँ जाम में फंस जाएंगे आप? हमें अभी ये रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही पता चला था कि ना ये पंजाब में जाम होगा, बट ऐसा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा कि ट्रेनें वेने सब रोक दी जाएंगी, बट यह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबको हो रही हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वैष्णो देवी के लिए निकले थे, वैष्णो देवी के लिए निकले थे, दिल्ली से कटरा ये ट्रेन जानी थी, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये तमाम लोग करनाल रेलवे स्टेशन पर कई घंटे के लिए फंस जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिरकार कितने घंटे तक जो है ये बंद रहना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बुलेट ट्रेन है, जिसे वंदे भारत ट्रेन कहा जाता है, जो दिल्ली से कटरा के लिए जो है जाती है, पिछले दो घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में ये तमाम लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि इनके पास ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही यहाँ पर चाय की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर वॉशरूम्स की व्यवस्था है, और ट्रेन्स में और रेलवे स्टेशन पे कोरोना के दौरान जो है खाना पीना बंद हुआ हुआ है, जिस कारण भी जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों को, काफ़ी यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो करनाल के गुरुद्वारों के तमाम सेवादारों से हमने फ़ोन पर बातचीत कर ली है ताकि जल्द से जल्द वो अपनी तरफ से यहाँ पर राशन व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, दूध की व्यवस्था हो और ठंडे की व्यवस्था हो, जितनी जल्द से जल्द जो करनाल की सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी हमारी अपील है, हमने सभी तक ये जानकारी पहुंचा दी है ताकि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों के लिए लंगर व्यवस्था, दूध व्यवस्था, चाय व्यवस्था, बच्चों के लिए यहाँ पर बिस्किट हो, दूध हो, जल्द से जल्द यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कोरोना के दौरान रेलवे स्टेशन की जो सभी कंटीन्स हैं, जो सभी रेड़ियाँ यहाँ पर लगा करती थी, वो सब कुछ बंद है, और ट्रेन में भी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो कोरोना के चलते बंद की हुई है। अगर शाम तक ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम बच्चे भूखे प्यासे किस तरह से यहाँ पर घंटों के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तमाम गुरुद्वारे के जो लोग हैं, सेवादार हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी तरफ से तमाम राशन सामग्री हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, दूध चाय की व्यवस्था हो, जल्द से जल्द आप लेकर यहाँ पर पहुँचे ताकि इन तमाम परिवारों को जल्द से जल्द ये सहायता पहुँचाई जाए, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।